हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है, ठीक है। चाहे वो CBSE के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही है, और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चे को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसके पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसेंस एजिंग ऑफ प्लांट्स। सेंसेंस इज द एजिंग ऑफ प्लांट्स हियर। Like animal plants also have a fixed lifespan and thereafter completing their period they die. Before their death we can observe the several degradation process in their body. You might have to notice the yellowish of the leaves and the fading of flower color in a plant. It is due to the loss of structure and function of organ or the whole plant. Deteriorative process which is ultimately lead to the complete loss of organizations and the functioning of the plants are its parts known as the senescence. Friend, here this is the most important things here. There is a deterioration of processes which ultimately lead to the complete loss of organizations and functioning of the plant are its a part of known as the senescence. And senescence occur due to the deposition of the waste material. There is the occur due to the waste material in the senescence, and in the some plants and wall plant die after the flowering and producing seeds. This is the called to the wall plant senescence. And the example annual plant like a rice, wheat, beans and tomato. In a many other plant part above the soil die each year and the root system stay alive. This is called to the organ or shoot senescence. That is the most important sense of means aging of plant. Here the role of the hormones in the senescence in a plant. There are ascorbic acid is the ethylene promote to the senescence of leaf bud, a cytokinase delay senescence and the help to the leaves remain green for the long period. There is the most important role for the hormones in the aging of plant.
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पौधों में विरजनता या वृद्धावस्था या काल प्रभावन। देखिए आप सोचते होगा कि सिर्फ इंसान ही बुढ़े होते हैं या जानवर ही बुढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। पौधों भी कई मायने में वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्राणियों की तरह पौधे भी एक निश्चित जीवन काल होते हैं और वही जीवन काल में जो है अपना सारे कार्य वो संपन्न करते हैं। उनके पूरे करने के बाद वे मर जाते हैं और मरने से पहले उनके शरीर में कई प्रकार के अवक्षण देखने को मिलता है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती है जब वो वृद्ध अवस्था में चली जाती है, और कभी कभी ये सब जो होता है हार्मोन की वजह से भी ऐसा देखने को मिला है, या कभी सर्द ऋतु आती है तो उसमें भी पत्ते जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ भी हो, इनकी एक वृद्ध अवस्था आती है जहाँ पर ये अपनी सारी क्रियाओं को त्याग देते हैं। कहते हैं फूलों के रंग फीके पड़ने लग जाते हैं और पौधे उनके भाग छीण संबंधी सभी जो प्रक्रियाएं जिनमें संगठित और क्रियात्मक सभी प्रकार की क्षति शामिल होते हैं विनयता कहलाता है। यानी जिनमें संगठनात्मक क्रियात्मक सारे प्रक्रियाएँ होती हैं उसी को ही हम कहते हैं सेंसनेंस कहते हैं, यानी जीवंता कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों कहते हैं अगर कोई पौधा है तो वो एक वर्ष में बहुत सी क्रियाओं से गुजर जाते हैं। मान लीजिए कोई वृक्ष है तो एक वर्ष के दौरान जो है कई सीजनों से उनका सामना होती है और उनके पत्ते पीले पड़ के सारे झड़ भी जाते हैं और फिर दोबारा से हरियाली आ जाती है। तो कहो कि पौधे जो है एक नेचर का एक सबसे अनोखा बनाया हुआ एक चीज़ है जिसको आप समझना आप लोगों के लिए संभव ही नहीं है, और शायद मनुष्य ने इस बात को समझा ही नहीं है, तभी तो आए दिन पेड़ पौधों को इस प्रकार काट रहे हैं जैसा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पौधों में देखिए दोस्तों जो है कहते हैं ना कुदरत ने बहुत अनोखी बात बनाई है, वो ये होती है कि ये हर साल एक नया यौवन को प्राप्त करते हैं, नया उनमें फुर्तीली होती है, नया उनके जोश होता है। लेकिन इंसान जो होते हैं एक समय अवधि तक ही जो यंग रहते हैं, लेकिन पौधे जो है हर साल एक नए पत्ते के साथ, नए यौवन के साथ, नए हरियाली के साथ, नए फूल के साथ जो है उदय होते हैं। ठीक है, तो ये नेचर का सबसे ही इम्पोर्टेंट बात थी, शायद ये बात आपको पता भी ना हो, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों कहते हैं प्लांट और इंसान कई मायने में सामान्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान है पौधों को तो इस प्रकार काटा जा रहा है जैसे कि उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन शायद इंसान ये बात भूल गया है कि आने वाला समय में पौधे उसके साथ ऐसी दुर्दशा करेगा तो शायद इंसानों को कभी समझ में भी ना आया हो। तो क्योंकि समय जो है बदल रहा है और समय के बदलते हुए रूपों को जो है हमें भी बदलना चाहिए और हमें भी इस बात को एहसास होने की आवश्यकता है। कहते भी रहते हैं वैज्य पदार्थों का संग्रह करण आती है। देखिए जो वज्य पदार्थ होते हैं पौधों में भी बहुत से वज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। आप सोचते हो कि पौधों में क्या वेस्ट मटेरियल्स है, तो आप थोड़ा गेस करो क्या हो सकता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, मुझे पता अगर जिन बच्चों को पहले पता हो जाए वो कमेंट करके मुझे भी सब फटाक से बता दें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरी है। देखिए वज्य पदार्थ के रूप में जो वेस्ट मटेरियल्स के रूप में आता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उनका वेस्ट मटेरियल्स होता है। और आपने पौधों में गोंद भी निकलते हुए देखा होगा। ठीक है, गोंद जो निकलती है पौधों में वो उनका वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जो पौधे निकालते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या वेस्ट मटेरियल्स होगा। तो मैंने कहा था ना कि पौधों के बारे में और इंसान के बारे में कई मानने में सब कुछ सामान्य ही दिखते हैं। ठीक है, तो उनके भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो गोंद के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा कोई पौधे में जो गोंद के रूप में जो चिपचिपाहट सा निकलता है वही उनका जो होता है वेस्ट मटेरियल होता है। कोई भी पौधे में देख लेना, हम लोग जब बच्चे थे तो उसको गोंद को लेके हम किताब उताब चिपकाया करते थे जो जनरली हमें नॉलेज है इस बात की। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे भी वेस्ट मटेरियल्स को उत्कृष्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पुष्पण और बीज उत्पन्न करने के बाद संपूर्ण पौधा मर जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो कुछ ही समय अवधि तक मर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, पौधा का जो होता है साल चक्र एक ही साल होता है। कहते हैं पौधा बनता है, उसमें फूल आती है और उसमें फल लगता है और वो मर जाती है। जैसे इंसान में भी यही होता है कि इंसान भी जन्म लेता है, ठीक है, यौवन को प्राप्त करता है, सारी बच्चों को जन्म देता है, प्रक्रियाएं होती है, फिर जाके वृद्ध होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो यही प्रक्रिया कहते हैं हर जीव जंतुओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इस संपूर्ण पौधे की विविधता ही कहते हैं, यानी सारे कार्य को सेंसनेंस के नाम ही दिया गया है। उदाहरण के तौर पर वार्षिक पौधे जैसे चावल, गेहूँ, सेम, टमाटर आदि बहुत से पौधे ऐसे जिनमें ऊपरी भाग हर साल मर जाते हैं और जड़ तंत्र जीवित रहता है, उसे हम अंग जीवंता दर्शाते हैं। यानी अंग
जीवंतता को दर्शाते हैं, जिनके जड़ जो होते हैं जीवित रहते हैं, बेसिकली पौधे मर जाते हैं लेकिन जो जड़ होते हैं वो जीवित होते हैं। अब इस तरह का जो है कई पौधे और भी देख सकती हो जिसमें ये सारी क्रियाएं होती है। मान लीजिए कोई बैंगन का पेड़ है, अगर आप उसको काट भी देते हो फिर मौसम के साथ उसमें फिर से कलियाँ जाती है और फिर से वो फूलने फलने लग जाती है, तो इसी को कह सकते हो अर्घ जीवंतता भी कहते हैं। कहते हैं जीवंतता से हार्मोन की भूमिका। देखिए ये जो संश्लेषण होती है उसमें हार्मोन की क्या भूमिका है, कहते हैं सारी क्रियाएं जो होती है हार्मोन के कारण ही संभव हो पाती है, क्योंकि इसमें जो है एब्सिडिक एसिड और एथालिन्स पत्तियों के विनेता को बढ़ाते हैं लेकिन साइटोकाइनिन जो है विनेता को रोकती है और पत्तियों को काफ़ी समय तक हरा रहने में मदद भी करती है। तो कहते हैं जिस प्रकार इंसानों में हार्मोन का अपना विशेष महत्व होती है सेम वैसे ही पौधों में भी हार्मोन का विशेष महत्व रखता है। हार्मोन के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बना हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने हार्मोन के विषय में सारी बातों को जो है डिस्कस किया है और सारी बातों को जो है एनालाइज करने की कोशिश किया है कि हार्मोन का क्या उपयोग, हार्मोन क्यों पौधों के लिए इतना ज़रूरी है और उस पर कौन से भाग पर किस हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हमने सारी चर्चा किया है। तो जो है पिछला वीडियो जो देखना आप नहीं भूलना, उसको ज़रूर देख लेना। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अब्सॉर्प्शन। फ्रेंड अब्सॉर्प्शन मीन अ शेडिंग ऑफ। You might have a notice where a leaf become old, it is a separate from to the plant. The body has fall down. Again, to ribs, fruits and older flower also become a separated from to the plants. This detachment of the older plant part of organs from to main plant body is called absorption. Absorption is the most important for the plant. There is a wrapping of fruits and the flowers and separating on the plant. In a plant, the layer of tissue generated from to the absorptions is a zone at the base of the petioles of their leaves or flower of fruits, and the cells of this layer become a soft and weak due to destruction of middle lamella and the cell wall. So the organ easily detached by winds and rainfall. Plant hormones like abscisic acid, ethylene, a promoter leaf absorptions and xylene prevent it. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है, विलंगन यानी झरना यानी अब्सॉर्प्शन। देखिए आपको पता ही होगा कि जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, वो गिर जाता है, झर जाता है। तो यहाँ पर कई कई हार्मोन भी इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती है सॉफ्ट बन जाती है और गिर जाती है, क्योंकि हार्मोन के रिएक्शन से ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, ये पौधे अगले कहते आगे हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, कुछ इसमें सभी चीज़ आपको देखने को मिलता है। मुख्य शरीर से पुराने भागों में इस प्रकार के अलग होने की प्रक्रिया को ही हम विलंगन कहते हैं यानी अब्सॉर्प्शन कहते हैं, यानी पौधों से अलग जो इनके पत्ते होते हैं अलग हो जाते हैं, इसी को ही हम विलंगन के नाम देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है बात। यहाँ पर कहते हैं पौधों में पत्तियों के मुख्य अथवा जो पुष्प और फल के पुरेतों के पीछे अक्सर उत्को की एक परत विलंगन क्षेत्र बना हुआ होता है। अगर आप ध्यान से पत्तों में देखोगे और पुष्पों में देखोगे और फलों में तो आपको जो है एक उतक दिखेगी जिसको विलंगन क्षेत्र भी कहते हैं। कोशिकाओं की यह परत नर्म और कमजोर होने के कारण मध्य पटिकाएं और कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई फल जो होता है पेड़ से टूट के गिरता है तो वहाँ पर जो होती है धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है। ठीक है, और जब वो कमज़ोर हो जाती है तो वो गिर जाती है। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाना है तो आप एक बगीचे में जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि एक कच्चा जो लीफ होती है वो कितनी टाइटली पकड़ रखी होती है, लेकिन एक पीला परा हुआ पत्ते को आप देखना कि जैसे आप छुओगे वैसे फटाक से वो अलग हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है विलंगन कहते हैं और यही कमज़ोर होने के कारण बनता है और पत्तियों जो है कमज़ोर बन जाता है, फल में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर के आसपास या गमले में लगा हुआ पौधों को भी देख सकते हो जो कि आपके घरों में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आप देखना कि जो पीले पड़ जाते हैं पत्ते वो बिल्कुल ही उनकी जो है बॉडी से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, तो उसको हल्का का सा भी हवा हुआ चलता है तो फटाक से जो होते हैं ये आसानी से अलग जाते हैं। यानी ये पत्तियाँ जो होती है जब हवा थोड़ा तेज़ चलता है या वर्षा होती है तो बहुत आसानी से जो होता है पेड़ों से अलग हो जाता है, लेकिन जो कच्चे पेड़ थे, लीफ थे, कच्चे पत्ते थे वो नहीं गिरते क्योंकि उसमें जो है हार्मोन अभी रिएक्ट कर रहा है और उसको काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। कहते हैं पादप हार्मोन जैसे एब्सिलिक एसिड
और एथिलीन्स पत्तियों के विलंगन को बढ़ावा देती हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एब्सिनिक एसिड होता है और एथिलीन्स जो है पत्तियों में यानी झरने के लिए काफ़ी बढ़ावा देता है। ये दोनों हार्मोन जो है काफ़ी जो है प्रोत्साहित करते हैं पत्ते को झरने के लिए। लेकिन ऑक्सिन जो होती है, ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पत्तियों को झरने से रोकता है, यानी कई हद तक अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कुल इन्हीं हार्मोनों की वजह से ही ऐसा रिएक्ट देखने को मिलेगा आपको। तभी तो कहते हैं कि जो प्लांट में है वही मनुष्य में है। सिर्फ इंसानों को इनकी गहराइयों को और इनके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस फैक्टर। द स्ट्रेस फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ प्लांट एंड व्हाट हैपन इफ यू डू नॉट सप्लाई वाटर टू द पोटल प्लांट फॉर 4 to 5 days। व्हाट हैपन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। You may be observed that the leaves went down and the plant is wilted. Here, due to the lack of water, usually life process of plant are disturbed. We can say that the plant is facing stress in its life. There is a stress factor. And this may be a call to the biological stress. It is called to the biological stress. Not only water, there are a number of factors responsible for the causing stress in plant, like temperature, salt, shade, light and pollutions. There is a main factor of strain in a plant. There is a temperature, salt, shade, light and pollutants, and also the water is a main stress factor on a plant. The any change in the environment condition that may be absorb the effect their growth of development in a plant is called biological stress. There is a biological stress is more important for the plant. The change in the environment condition, the stress is coming in plant, there is environment condition that is called the biological stress. The effect that are produced in a plant as a result of a stress is called strain. In the above example, we are into the leaves and the wilting of plant are strain here. The one factor is here, so the reaction of plant facing the stress is called strain. That is the most important thing here. So the reaction of plant facing the stress is called strain. Here, types of stress. What do you mean to types of stress? There are the variety of stress for which a plant are exposed. Some common stress are water stress, salt stress, and let's know the detail about them. And the first of all is the water stress. What do you mean to the water stress? The water stress is include both excess of water flow and the scarcity of the water draft. And deficiency of water in a plant make the leaves yellow and their well. There are various processes of plant like a photosynthesis and respiration are reduced. Cell engagement and check the cell size and deformity and the cell rigidity. Lost due to deficiency of water and flooding of excess amount of water in a soil and reduce the root and short and the growth there is the causing of blackenings of the root tips and the yellowish of the leaves. There is a water stress. There is a water stress is the present in all types of plant, and the salt stress also is important for here. The salt stress occur mainly due to the presence of excess amount of calcium and sodium salt in the plant body. There is a salt stress is a mainly presence of amount of calcium and sodium salt in a plant. It is a dehydration of the cell. That is causing a dehydration of the cell. And change the shape of the cell is a disturbance is the metabolic process. There is disturbance of all types of metabolic process here. And the cell growth well as a growth and the development of plants are regarded. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है, दबाव कारक, स्ट्रेस फैक्टर। देखिए स्ट्रेस जो होती है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इंसानों में स्ट्रेस होती है? इंसान ही बड़े बड़े चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेती है या इंसान में ही सारी क्रियाएं होती हैं? तो ये संभव नहीं है कि इंसानों में हो, पौधों में भी स्ट्रेस होती है। देखिए स्ट्रेस कई कारणों से हो सकती है, कई तरीक़ों से हो सकती है। इंसानों में भी स्ट्रेस होती है, जैसे स्ट्रेस की बात ये होती है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो यही लक्ष्य है कि मैं उन बच्चों तक पहुँचूँ जो कमज़ोर हैं, ठीक है, जिनसे मुश्किल पड़ता है समझना, ठीक है, और बड़े बड़े जो हाईफाई इंस्टीट्यूटों के जो इंग्लिश होती है वो भी समझ में उनको नहीं आता है, तो भी जो है मैं देसी लैंग्वेज में, देसी वर्डों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े इंस्टीट्यूटों में समझने जाओगे तो आधा इंग्लिश पढ़ने पड़ेगी और आधा इंग्लिश पढ़ने ही नहीं पड़ेगी आपको, तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कोई अपना आपके
आपके ही लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता है तो वो आप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, चाहे उसकी प्रोनाउंसिएशन जैसी हो, आपको सिर्फ समझाने से मतलब है। तो आप इसी स्ट्रेस में रहते हो कि भाई मैं कैसे समझूँ क्या होता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि शुरू शुरू में क्या करते हैं, कोई भी मेडिकल हो या अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम में होती है उसको फटाक से ले लेते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे वो स्कूल में जाते हैं वहाँ टीचर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, वहाँ इक्का दुक्का बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं कि शायद मैं कमज़ोर हूँ और मुझे ये नहीं आएगा। और टीचर भी क्या करते हैं, मोटिवेट कर देते कि बच्चे तुम हिंदी मीडियम में थे, आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको प्रोनाउंसिएशन तक भी नहीं आती है, तो आप ये मेडिकल को छोड़ दो चाहे अकाउंट्स को छोड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि वो बच्चा करने वाला था, लेकिन उसको थोड़ा सा गाइडलाइंस की आवश्यकता थी, मेहनत की ज़रूरत था, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा कामयाबी की सीढ़ी पे पहुँचा के ही दम लेता हूँ, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को भी ये मैं कार्य करके दिखाऊँ जो बच्चे मेरे से दूर हैं, जिनको जो है अच्छे सोच की ज़रूरत है। तो मैं यही टीचरों को कहता हूँ कि जो भी बच्चे आपके पास आए, चाहे कमज़ोर है जो मर्जी, उनको अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस दो, समझाएं कि बच्चे आप कर सकते हो लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे विश्वास है ये बच्चा आगे अगर बढ़ेगा ना, आगे अगर पढ़ के आगे निकलेगा तो वो सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक जो है समस्याओं का जो है उसने जो है फेस किया है, क्योंकि उसको सुविधाएँ नहीं थी फिर भी वो आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये सबसे बेस्ट बनेगा और ये बेस्ट जो है हमारे देश की भविष्य के लिए आधार बन सकता है। इसलिए मैं कभी भी किसी बच्चों को ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते। अगर आप समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, तो आप 100% कर सकती हो। तो इसीलिए त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है जिन बच्चों की ये वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही वर्डिंग में समझाने वाला यहाँ कोई नहीं है। सब अपने जो है अपने अपने विदेशी लैंग्वेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़े बच्चों से मुलाकात करो जो बड़े बड़े हाईफाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी आपको यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन ये है, वो है, फलाना है, टिमका है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए, जो आपको पल्ले पड़ जाए, समझिए आप उससे बेस्ट हो, इंग्लिश से भी बेस्ट है। तो इसलिए आपको जो है त्रिपाण सेंटर का हाथ बनना है और सहयोगी बनना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ इतना करना है कि अगर आप वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा दीजिए। अगर यही बात कोई और बातों में होती, कोई गाना लगाने की होती, तो फटाक से आप लगा देते हो, लेकिन ये दोस्तों किसी बच्चों के आपके थ्रू हेल्प हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बड़ा कार्य होगा, ठीक। कहते हैं ना कुछ चीज़ें जो होती है आपकी वजह से भी अच्छा बन जाता है। मान लीजिए वीडियो उनको मिल जाता है और वो प्लस टू प्लस वन बायोलॉजी अच्छे से करके वो अच्छे से निकल जाते हैं, तो आने वाला समय में कुछ अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ अच्छा ही कुछ अच्छा बन जाएंगे। तो वो आप अगर आप कभी जाओगे कुछ कराने जाओगे तो वो अच्छे से आपको इलाज करेंगे। यानी आपका जो है एक आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने की वजह से देखिए कितना कुछ चेंज हो गया। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है कि सोचने वाला यहाँ काम है नहीं, विचारने वाला काम है नहीं, सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आप पेस्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ये स्ट्रेस तो मैंने आपको कम कर दिया, लेकिन पौधों में ये स्ट्रेस कम नहीं हो रही है। अब देखिए कैसे, दबाव कारक क्या होती है, आपको पता ही है कि पौधे भी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता है, जब उनको धूप नहीं मिलती है, तो आपने देखा है वो कैसे चटपटाते हैं, ठीक है, और दिन भर वो धूपों को सहते हैं तो देखते हो सारे दिन में मुरझा से जाते हैं, यानी कितने स्ट्रेस था उनको। हम भी ऐसे ही होते हैं कि जब हमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है तो हम भी एक मुरझाए हुए नज़र आते हैं, हमारे बॉडी में काम नहीं करता हमारा, हम बिल्कुल आलस्य हो जाते हैं। तो पौधों में ही सेम कंडीशन देखने को मिला है। कहते हैं क्या होगा यदि आप गमले में लगे हुए पौधों में 4 या 3 दिन तक पानी नहीं डालो। आपने देखा होगा कि पत्तियां झुक जाती है और पौधे मुरझा सी जाती है। पत्तियों की कमी के कारण पौधों का सामान्य जीवन प्रक्रिया बाधित होती, क्योंकि जो क्रिया सब दिन होती रहती है अगर एक दिन ना किया जाए तो जनरल सी बात है कि उसके जो कार्य जो करने की क्षमता थी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिलेगा। हम कहते हैं कि पौधे अपने जीवन दबाव को झेल रहा है, इस जो है जैविक दबाव कहा जाएगा, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है प्रेशर कहा जाएगा, स्ट्रेस कहा जाएगा, केवल पानी की नहीं बल्कि वह कारक दबाव को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे और भी कारण हो जाते हैं, जैसे तापमान हो गया, नमक हो गया, छाया हो गया, प्रकाश हो गया, प्रदूषक हो गया। आप इतने प्रदूषण कर रहे हैं तो आपको कभी सोचा है कभी ये पेड़ पौधों को कितना दर्द होता होगा, कितना नुकसान होता होगा? शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे के दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। आप हंस रहे होगे कि पेड़ पौधे को कोई दर्द होता है,
नहीं दोस्तों, ये गलतफहमी में हो। कहते हैं अगर पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी क्रियाएं होती है जो इंसानों में होती है। आप पेड़ को काटते हो तो भी वो रोता है, तो उसको भी दर्द होता है। जैसे कोई जो है किसी जीव को हत्या करता है, ठीक है, तो उसको भी दर्द होता है, लेकिन क्या करे बेचारा, वो एक कमज़ोर है, तभी तो जो है ताकतवर ने उसको काट दिया। तो यही सिचुएशन पेड़ पौधों को भी होती है। जब आप पेड़ उनके टहनियाँ काटते हो ना, और या आप लोग उसके साथ गलत करते हो या प्रदूषण फैलाते हो या कुछ भी करते हो, तो उनको बहुत ही दर्द होता है। वो गुस्सा दिखाना चाहते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं दिखा सकते, लेकिन कहते हैं उसके हेल्प के लिए कुदरत कुछ ऐसा कर देता है कि इंसानों को भी सबक सिखा देता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करता है कि दबाव कारण जो है स्ट्रेस फैक्टर जो होती है, तापमान भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, छाया प्रकाश प्रदूषक आदि भी हो सकता है। कहते हैं पर्यावरण दशाओं में कोई भी बदलाव जिससे पौधे की वृद्धि और परिवर्तन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जैविक दबाव कहलाता है, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है स्ट्रेस कहते हैं। क्या जब उसके परिवर्धन यानी बढ़ने में या किसी प्रकार की क्रिया करने में जो बदलाव होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जैविक दबाव कहते हैं। एक ऐसे प्रभाव को जो पौधों में दबाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे तनाव कहते हैं। देखिए कोई चीज़ की कमी या कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वही चीज़ तो तनाव होती है। इंसानों में ऐसे होता है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है, आपको कोई इंसल्ट कर देता है, ठीक है, आपको कोई गलत कहता है, तो आप स्ट्रेस में आते हो कि नहीं मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन कहते हैं ना जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है कामयाब वही होता है। आप एक चींटी को देखना, अगर वो लक्ष्य पे चलना चाहता है तो कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी अपना जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस पर जरूर जाता है। तो इसी बात को यहाँ बताता है कि ये सब तनाव होते हैं। ऊपर दिए उदाहरणों से पत्तियों का झुकना और पौधों का मुरझाना सब तनाव ही होता है, ठीक है। एक फैक्ट की बात यहाँ आती है कि इसलिए पौधे जिस दबाव का सामना करते हैं उसको हम तनाव भी कह सकते हैं, यानी जो स्ट्रेस से गुजरती है वो एक तरह से तनाव भी होता है। कहते हैं यहाँ पर अगर दबाव देखोगे तो दो प्रकार के होते हैं जो जर्नली पौधों में देखने को मिला है, ठीक है। इसका पहला जो होता है जल दबाव, दूसरा होता है लवण दबाव। देखिए जल दबाव तो आपको पता है कि जर्नली पौधों को सहन करना ही पड़ता है। जल दबाव में पानी की अधिकतम बाढ़ और पानी की कमी दोनों को ही शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अधिक पानी दोगे फिर भी पौधे जो है जीवित नहीं रह सकते और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, और कम पानी दोगे फिर भी जो है वो स्ट्रेस को ही जाएंगे। पौधे में पानी की कमी पत्तियों के पीला बना देता है। आपने देखा होगा कि पौधे में अगर पानी की कमी पड़ जाती तो पत्तियाँ जो होती है पीला पड़ जाता है और मुरझा सी जाती है। पौधों की विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कम हो जाती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो भोजन कैसे बनाएगी, और श्वसन कम भी होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो ये सारी क्रियाएं जो होती है बाधित होती है। कोशिकाओं का अधिकरण रुक जाता है, यानी कोशिकाओं की जो क्रियाएँ होती है तो रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना वाना ना खाएँ तो आपके बॉडी की क्रियाएँ भी रुक जाती है। तो सेम यही कंडीशन जो होता है पौधों में ही देखने को मिला है। कहते हैं कोशिका का आकार विकृति हो जाती है, यानी कोशिका का आकार बदल जाता है, काफ़ी विकृत हो जाती है, यानी कॉजिंग डिसीज़ हो जाती है, और कोशिकाओं की दृढ़ता पानी की कमी के कारण कम भी हो जाती है। बाढ़ या पानी की अधिकता जड़ और प्रवाह की वृद्धि को मृदाओं में कम कर देती है। देखिए पानी की अगर बढ़ोतरी होगी या कम होगा तो जो इनके जो प्रवाह तंत्र होते हैं, पौधे के जो रूट सिस्टम होते हैं उनको बाधित करते हैं, वो कार्य करना थोड़ा कम कर देते हैं। जड़ों के सिरे काले हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि जड़ जो होते हैं काले हो जाते हैं। देखिए कोई पौधा में बहुत पानी डाल दीजिए और कुछ दिन उखाड़ के देखिए, सारे जो होंगे जड़ वो काले दिखेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी सोच नहीं है, आप चाहो तो घर में भी इसको जमा के देख सकती हो। पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, ये सारी फैक्टर आपको देखने को उसमें मिलेगा। दूसरा है लवण दबाव। देखिए पौधे के शरीर में मुख्यतः लवण दबाव कैल्शियम और जो है सोडियम लवण की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण होता है, यानी कैल्शियम और सोडियम लवण जो होती है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ये कोशिकाओं का निर्जरीकरण और कोशिकाकार में बदलाव चाय प्रक्रिया में रुकावट का कारण भी बनती है, यानी अगर कैल्शियम और सोडियम लवण ना हो तो निर्जरीकरण के चला जाता है या उसके आकार में दबाव का उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार पौधे कोशिका वृद्धि और परिवर्धन रुक सी जाती है, यानी वो आगे क्रिया नहीं कर पाती है। द वन नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट मूवमेंट। द प्लांट मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। वेल द डूइंग एनी वर्क अवर बॉडी पार्ट मूव एंड ऑल्सो एंटायर बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ पावर ऑफ डिजायर। दिस इज कॉल्ड टू मूवमेंट अवर बॉडी। देर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। द बॉडी पार्ट मूव ऑल्सो एंटायर बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। There is called to moment of body. The plant also show the moment, but their moment are completely different from our body moment. Friend, this is the most important thing here. The moment completely of difference. The plant also move. The plant
also move. You are under, no understand, you want to say that there is a plant also move there and completely different from the upper body. Expect some unicellular plant also, other higher plant is cannot be moved from place to place at their roots and fixed in the soil. There is a fix in the soil. Still, they show the moment by foldings, the buds opening and closing the flower and bending toward to sunlight. And this moment, the plant are very slow. And we have to wait for absorb there carefully and pattern to the notice their moment. Let's learn about their various type of moment showing the plant. The first is, there is a first a tropical moment. Tropic moment is a directionally response or growth moment. There is the most important topic here. The moment in the plant are in a, any part of the plants toward or away from one environment. Environment factor is known as a tropical. Tropic means turn, moment. There is a also moment in a plant is a turn. Away some is an environment factor is a tropical turns moment. You must have observed that a moment of plant in the direction of light. There is a most important moment here. There is a direction of light is a downward moment of root in the soil. There is a moment and dropping of leaves of some sensitive plant by touch. There is a moment. And this example of tropical moment here, the phototropism. The phototropism induced by the light, a bending of stem toward to light. There is a phototropism. There is a only their light of reflect on plant. And zematropism is induced by growth. Example, a grow of root toward to gravity. There is genotropicalism is a root or toward to gravity. And theromotropism is a moment causing by the contract, a twining stem, tendrils, and the dropping of leaves, sensitive plant to the touch. That is a thermophilism. And hydrotropism is include of water, a growth of root toward to the source of water. And second moment is a nesting moment. Nesting moment is here. There are nesting means bendings, moment or growth or moment resulting due to difference in the rate of growth on opposite side on the organ. Example, opening of petals, a calling of leaves, etc. When the upper side of the organ grow faster than to the lower side, the moment is called to the epinestry. The epinestry here, by example, downward to curlings of leaves and opening of the spell of the Goldmohar's flower. The Goldmohar flower is the most important example here. And when the lower side grow is more rapidly and then upper side, it is called to the hyponostris. Is a word of curling of leaf blooded. There is the most example of nesting moment. And next is, the next is a tropical moment. The tropical moment is the most important here. This is called to the Hindi Sipriti moment. This moment are due to the change in the volume of water inside of cell. When the more water is present in the cell, it is a fully expanded and become a reduced to the heart. Such a condition is called turgidity. Turgidity is and the cell is said to be turgid. And when less water is present inside the cell, it is not a fully expanded and remain soft. This is called to the phasocyte condition. Phasocyte condition here, the leaves bend to the hot summer due to excessive transpiration on the count of the loss of turgidity of cells of the leaf. Some example of turgidism moment here. The first is the leaves are leafless of some plant close on the fall of darkness. A sleep moment. Example, Protocolus acacia. Acacia is here. And closing of the leafless, a dropping of leaves in the response to be strong, a stimulus of the blooming winds or touch. Example, sensitive plant is a Mesoma pudina. Pudica is there. And closing of leaves of the vineo flower drops as a catch the landing insect. That is the most important reaction of the plant. And seed pods of some plants are opened as a maturity is vigorously expanded. There are seed example, Blossoma yangul mehdi. दोस्तों जब हम ये सोचते हैं कि पादप गति, तो आप लोगों को हंसी भी आ रहा होगा कि पादप गति कैसे कर सकता है, वो तो एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन शायद आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, लेकिन क्या करें, उनके जड़ जो होते हैं धरती में धंसे हुए होते हैं, इसलिए वो मोमेंट आपको दिखता नहीं है।
ठीक है। लेकिन कहते हैं उसके बहुत से पार्ट होते हैं जो मोमेंट फॉर्म में होते हैं, यानी वो भी जो है गति करते हैं। तो यही टॉपिक जो है हमारा पादप गति। देखिए जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके शरीर भाग जो है गति करते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो आपका संपूर्ण शरीर भी आपकी इच्छानुसार एक स्थान दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, इसे आपके शरीर गति कहते हैं। पौधे भी गति दर्शाते हैं लेकिन उनकी गति आपके शरीर गति से बिल्कुल ही अलग होती है और अलग उनका डिज़ाइन भी होता है तो गति भी अलग ही होगी। कुछ एक कोशिकीय पौधों को छोड़कर दूसरे सभी उच्च श्रेणी के पौधे एक स्थान दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी में जमी हुई होती है, ठीक है। कहते कुछ एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं वो गति करते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है बहुत से होते हैं जो करते हैं, जैसे कि आपको पता वो होते पौधे हैं जिसमें हरित लवक पाया जाता है, हमने बहुत डिस्कस किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर नहीं आपको पता है तो देख लेना जो पुरानी वीडियो है, पीछे वाला जो वीडियो सब है उनको, ठीक है। तो कहते हैं एक कोशिका जीवों में तो ये होता ही होता है, मोमेंट रहती रहती है, लेकिन दूसरे सभी जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें गति नहीं होते हैं क्योंकि उनके जड़ें जो होती है धरती में धसी हुई होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। फिर भी उनकी गति जो है कलियों और मोड़ने और फूलों खिलने और बंद करने, सूर्य के प्रकाश में झुकने इत्यादि में दिखाई देती है। अगर आप सूर्यमुखी के पौधे भी देखोगे तो वो जिधर सन उगता है उधर साइड ही उसका फेस होता है, तो आखिर उसमें मोमेंट नहीं तो और क्या है? क्या अगर वो निर्जीव होता तो वो मोमेंट थोड़ी करके दिखाता आपको कि जिस साइड जो है प्रकाश आ रही है उसी साइड वो मुड़ जाती है। आपने छुई मुई के पौधे भी देखे होंगे, अगर उसमें मोमेंट नहीं है तो उसको छूने के पश्चात वो सुकुड़ से क्यों जाती है? क्या कारण है, क्या ऐसी सुकुड़ जाती है वो? तो इसका मतलब है कि उसमें भी मोमेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आंवला का पेड़ होगा आपके आसपास तो देखना जैसे सूरज उदय होता है वो पत्ते सब खिल सी जाते हैं, खुल जाते हैं सारे पत्ते, लेकिन रात्रि के समय सबके सब एक सीधा सा बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसे मोमेंट को किसने सिखाया? इसका मतलब मोमेंट है उसमें, वो भी जीवित है, ये बात आपको एहसास होना चाहिए कि वो भी सारी क्रियाएं कर रही है। फिर भी उनकी गति कलियों के मोड़ने फूलों के खिलने सब चीज़ दर्शाया जाता है। पौधों में यह गति बहुत धीमी होती है और हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ता है और ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक इन पत्तियों की निरंतर करना पड़ता है। आइए पौधे दिखने वाली कुछ हम जो है यहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या जो है रिएक्शन पौधों में देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अनुवर्तीय गति, यानी परोक्ष उद्दीपन या वृद्धि गति। पौधे के अथवा देखिए पौधे किसी भाग को गति या पर्यावरणीय कारकों की ओर अथवा उनसे दूर अनुवर्ती टेप बदलाव गति करते हैं। आपने पौधों में गति प्रकार की और जो है मृदा में जड़ों के नीचे की ओर जाने की गति, कुछ संवेदी पौधे में छूने के द्वारा पत्ती का जो सटक जाना लटक जाता है और वह ध्यान दिया होगा, ये सारे अनुवर्ती गतियों के उदाहरण है। आपने देखा होगा कि कोई पौधे को छूते हैं उसके पूरे ही जो पत्ते के पूरा पार्ट होता है वही नीचे की तरफ गिर जाती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो रहे होते हैं, ये क्या है? ये गति ही तो है। तो गति यहाँ कई प्रकार के दर्शाए गए हैं जो आपके समक्ष है। सबसे पहला गति तो यही होता है दोस्तों, प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोफिलिज्म, यानी प्रकाश के लिए उद्दीपित होना, प्रकाश के लिए सेंसिटिव। प्रकाश से प्रेरित उदाहरण है तने का प्रकाश की ओर झुकना, और इसको सबसे अच्छा एग्जांपल जो है सूरजमुखी के पौधे होते हैं, जो समय जिधर से प्रकाश आती है वो उसी साइड जो है अपना फेस कर लेती है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद गुरुत्ववर्धन यानी जेमोटोलिज्म, गुरुत्ववर्धन के प्रेरित जड़ों जो है गुरुत्वर की ओर ही बढ़ना। देखिए पौधों के जो बीज होते हैं, अगर आप पौधे लगाते हो बीज डालते हो धरती के अंदर तो आप बीज जैसे मर्जी गेरो जैसे मर्जी डालो, आपका ध्यान होगा कि उनके जड़ें जो होगी धरती के नीचे की तरफ होगी और तनाएं ऊपर की तरफ होगी। आखिर उनको किसने सिखा दिया ये करना? क्या ये नहीं हो सकता कि जड़ें ऊपर की तरफ हो जाए और तना नीचे की तरफ हो जाए? तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों ये गुरुत्ववर्तन के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि उनके लीफ जो होते हैं भोजन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितने सीड में भोजन होता है वो खत्म हो जाने के बाद उनको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे इंसानों में भी होता है ना, जब हम अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, इंसानों के बारे में हम देखेंगे कि प्लेजेंटा क्या रोल निभाती है और जो वहाँ जो ओवरी से एग निकलता है उसमें कौन कौन से पोषण तत्व पाए जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए जो होते हैं स्पर्म उसमें क्लीवेजिंग करता है। तो सेम ऐसा ही होता है, पौधे होते हैं उनके बीज में पहले से फूड जो होते हैं स्टोरेज होते हैं, ठीक है, तो धरती के अंदर जितना दिन तक रहता है वो उस फूड का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे वो फूड ख़त्म होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ वो बढ़ता है और वो बढ़ के जो है प्रकाश संश्लेषण बना के अपना भोजन बनाता है, क्योंकि वो भी उसको भी बहुत भूख लगती है, उनको भी ग्रोथ करने की ज़रूरत होती है।
तो ये सारे चीज़ जो होती है, जो जड़ें होती धरती के अंदर की तरफ जाती है, ये सब गुरुत्व अनुवर्तन के कारण ही संभव है। उसके बाद है स्पर्श अनुवर्तन यानी थर्मोट्रोबलिज्म, यानी स्पर्श के कारण होने वाली गति, उदाहरण तने और प्रतानों को एक दूसरे पर लिपटना या छूने से संवेदी पत्तियों को लटकना या प्रदत्त होना। जैसे मैंने अभी बताया था छुई में के पौधे, जैसे आप छूते हैं उसके सारे पत्ते जो थे सुखुड़ से जाते हैं, गिर से जाते हैं, ठीक है, लटक जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है छुई में के पौधे आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हो माइंड में, ठीक है। उसके जल अनुवर्तन, देखिए हाइड्रोट्रोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहते हैं जल के द्वारा होने वाली गति, उदाहरण जो है जड़ों का जल स्रोत की ओर बढ़ना। आपने देखा होगा कि राजस्थान के पौधे जो होते हैं उनको जो है अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो उनके जड़े जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, उनके जड़े जो होती बहुत लंबी लंबी होती है, यानी वो बहुत नीचे तक जाके जो है जल को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो हैं गति ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी मत सोचना कि पौधों में गति नहीं होती है। उसके पश्चात हमारा है अनुकूचन गति यानी नस्टिक मूवमेंट, कहते हैं नकुचन यानी नस्टिक मतलब झुकना। गति वह वृद्धि होती है जो किसी अंग के विपरीत दिशाओं में होने वाली वृद्धि के दर में अंतर के कारण ही संभव होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखो दालों का खुलना, देखो दालों खुलना, पत्तियों का मुड़ना आदि, जब ऊपर की तरफ एक अंग नीचे की तरफ तुलना में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है। या आपने देखा होगा कि नीचे की साइड जो होती है कम रूप में वृद्धि करती है, लेकिन ऊपर के साइड वो बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करता हुआ पौधा नजर आता है, तब इस गति को जो है अध्रुवर्तन कहते हैं। जिसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं, उदाहरण पत्ती का नीचे की ओर मुड़ना, जुगल मोहर के जो है वृक्षों के बाहरी दलों को खुलना, जब नीचे की ओर ऊपर की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करती है इसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं। उदाहरण पत्ते के ऊपर की ओर मुड़ना। तो ये काफ़ी नस्टेडियस मोमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको आप समझ सकते हो कि इसमें जो होती है, ठीक है, जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ कम वृद्धि करती है, लेकिन उनकी शाखाएँ होती है, उनकी तनाएँ जो होती है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ वृद्धि करती है। तो इसे हम अर्धवर्धन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान अपना रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष स्मृति गति। देखिए दोस्तों, ये स्मृति गति बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। ये गति कोशिका के भीतर जो है पानी के आयतन बदलाव के कारण होता है, यानी स्मृति गति जो होती है टॉरस मोमेंट जो होती है ये कोशिका के भीतर पानी के आयतन में दबाव के कारण देखने को मिला है। जब कोशिकाओं में पानी अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसका कोशिकी पूरी तरह फैल जाता है, यानी आप समझ सकते हो कि जब कोशिकाओं में पानी रहता है तो ये पूरी तरह से फैल जाता है और दृढ़ एवं कड़ी हो जाता है। इस दशा को स्फीति ही कहते हैं, यानी जो फूलना, ठीक है, और ये दृढ़ कड़ा हो जाना, ये सारे स्फीति गति का ही एक उदाहरण है, समझे। कोशिकाओं के स्फीति कहते हैं, यानी कोशिकाओं का ये स्फीति कहलाता है। जब कोशिकाओं के भीतर पानी कम उपस्थित रहता है तो ये पूर्णता फैलती नहीं है, यानी सिकुड़ सी जाती है, नम बनी रहती है। इस दशा को जो है स्थिल अवस्था कहते हैं, यानी ये आराम करने की कंडीशन होती है। गर्मियों में वर्षोजन की अधिकता के कारण पत्तियों की कोशिकाएं स्मृति को छोड़ देती है और पत्तियां जो है झुक जाती है। तो स्मृति इसीलिए जो है स्मृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी पड़ता है काफ़ी हद तक, तो वर्षोजन की अधिकता हो जाती है। देखते हो काफ़ी मात्रा में जो है पौधे से पानी जो है वर्षोजन की रिगार्डिंग खींच ली जाती है, तो जो इनके पत्तियाँ होती है झुक सी जाती है, यानी आपको मुरझाया हुआ नज़र आएगा। तो सर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्मृति दाब के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ पौधों की पत्तियाँ या वर्णक अंधेरे होने पर बंद हो जाती है, इस सोने वाली गति, उदाहरण रेटिकुलेका एकेसिया। देखिए ये तो आप बहुत भयंकर नाम है, इसको शायद आप याद भी ना कर सको। अगर कुछ पौधों की पत्तियाँ जो है अंधेरे होने पर बंद हो जाती है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष है जो है आंवला का पौधा। आंवला का पौधा देखिएगा कि इनके जो होते हैं दिन में पत्ते जो होते हैं पूरे खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे रात्रि के समय होता है वो बिल्कुल जो कहते हैं सिकुड़ सी जाती है। तो इतना भयंकर नाम याद करने से अच्छा है कि आप आंवला का नाम याद रखोगे, जो बहुत ही आसान है और आपको याद रखना भी आसान पड़ जाता है। एक होता है तेज़ हवा के झोंके या छूने से वर्णक वन बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे पत्तियाँ को जलित होना, धरन छुई मुई, यानी संवेदन पौधा होता है छुई मुई, जिसको आप छूते ही वो क्या होता है अपने आप को जो है बहुत बिल्कुल ही शर्मा सी जाती है, जैसे इंसान शर्मा जाता है और अपने आप को संकुचित कर लेता है, वैसे जो पत्तियाँ होती है और उसके जो होते हैं जड़े होते हैं तने होते हैं वो सिकुड़ सी जाती है, देखने को मिलेगा आपको। या मैसोमन प्रियोडिका भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कहते हैं वीनस प्लेटोटेप्स की पत्तियाँ का कीट को पकड़ने के लिए बंद होना। आपने देखा होगा
चाहे आपने देखा होगा जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनका, जैसे ही उनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है वो डायरेक्ट अपने मुंह जो होते हैं बंद कर लेते हैं। तो आखिर ये मोमेंट क्यों हो रहे हैं पत्तों में, ये प्लांटों में मोमेंट क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वो भी मोमेंट करना जानते हैं, उनके अंदर भी बहुत गतियाँ देखने को मिलता है। कुछ पौधों में फलियाँ परिवक्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है, जैसे आप गुल मेहंदी देखे ही होगे, ठीक है प्लाज्मा, उसके जो है पौधों में फलियाँ परिवक्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इस प्रकार जो है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ समझने की कोशिश किया है। दोस्तों मैं कई मायने में बात बताना आपको चाहता हूँ कि पौधे हो या इंसान हो, सारे गतियाँ और क्रियाकलाप सब सेम ही होती है। शायद ये बात अब इंसानों को समझ में आ जाए, तो ये इंसानों को तब समझ में आएगा जब ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है, तो इसको पहुंचाने में आप जो हो त्रिपान सेंटर का हेल्प कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाने में कोशिश कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आप एक जो है त्रिपान सेंटर का एक हाथ बन जाइए, अच्छे कर्मों के लिए हाथ बन जाना कोई बुराई नहीं है और इसको कोई गलत नहीं करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आपको प्रेरणा प्राप्त करना है और आप भी प्रेरित हो इस बात के लिए होगे और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे।